तो कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों। आज बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से एक बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज निकलकर आई है और यह है जो लिंडर के बारे में। तो कल हमें यह खबर मिलती है कि जो एस्थेटिक्स आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, यानी उनकी डेथ हो गई है। और भाई जितने भी बॉडी बिल्डिंग के फैंस हैं उन्हें शॉक कर दिया। और यहाँ पर फैक्ट की बात यह है कि अभी उनकी एज 30 साल थी और इतनी कम एज में भाई इनकी डेथ हो गई। और इतनी कम एज में डेथ होना कोई छोटी बात तो नहीं है, कोई बड़ा रीजन ही होगा इनकी डेथ का। कई लोग बोल रहे हैं कि इनके डेथ का रीजन हार्ट अटैक है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। इनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि एन्यूरिज्म से हुई है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी बॉडी पार्ट की नस फूल जाती है और उसका फटने का डर रहता है। और बाय चांस अगर ये नस फट भी जाए तो डेथ होना पक्का है। और यही बीमारी हुई है जोल एंडर के साथ में। इसका पता तो इन्हें पहले भी चल गया था, पर इसे इन्होंने नॉर्मल समझ के चेकअप करा लिया। इन्हें क्या पता था कि यही बीमारी मेरी मौत का कारण बनने वाली है। वैसे दोस्तों आप सभी जानते होंगे जोल एंडर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे और इसका अंदाजा आप इनके इंस्टा के फॉलोअर्स से ही लगा सकते हो। रिसेंट में 8.7 मिलियन फॉलोअर्स थे इनके इंस्टा पर। और ये यहाँ पर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत ही खतरनाक कंटेंट डालते थे जिनसे हम मोटिवेट भी होते थे और काफी कुछ सीखने को मिलता था। और आपने इनकी एक चीज और देखी होगी, वो इनकी चेस्ट के फाइबर्स जिनके लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और भाई बॉडी के फाइबर्स को इधर से उधर करना यानी उनको हिलाने का ट्रेंड इन्होंने ही शुरू किया था। तो फ्रेंड्स इनकी तरफ से जो भी हमें सीखने को मिला हमने सीखा और इनकी जर्नी से हम इंस्पायर भी हुए हैं। और भाई अब इनका नाम बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में लीजेंड्स के बीच जुड़ गया है। तो दोस्तों इनके बाद हम बात करेंगे ऑरलैंडो प्रोसो की अपडेट्स के बारे में। तो गाइस ये हैं मेंस ओपन डिवीजन के टॉप 2 बॉडी बिल्डर जिनमें हसन मुस्तफा और टीम क्लेयर हैं। बात करें यहाँ के विनर की तो गाइस टीम क्लेयर ने शो को जीतकर क्वालिफाई कर लिया है साल के ओलंपिया के लिए। वैसे दोस्तों इनकी प्लेसिंग को लेकर छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी कि यहाँ पर हसन मुस्तफा को विनर बनना चाहिए था। तो गाइस आप इनकी फाइनल कंपेरिजन वाली वीडियो को एंजॉय करो और कमेंट में बताना कि इनमें से विनर कौन है। और वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। You guys okay? Let's go!